तो गाइस आज के एनीमे होने वाली है माय इंस्टेंट डेथ एबिलिटी इज ओवर पावर, जो कि एक ब्रांड न्यू 2024 का एनीमे है जो कि अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ है। ऑब्वियसली ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा जिसकी वजह से मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तभी इधर एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखा देते एक जगह का सीन जहाँ पर इधर ऐसे इधर कुछ लड़ाई वहाँ पर हुआ था जिसकी वजह से हालत एकदम खराब लग रहे थे। तभी एक छोटा सा बच्चा जो कि एक लड़की को ढूंढ कर आ रहा था और इधर वो बार बार उसका ही नाम पुकार रहा था। तभी हमें दिखा जाए एक जगह पर कोई लड़की होती है जो कि वो छोटा बच्चा बुला रहा था, लेकिन इधर उसकी सिचुएशन भी बहुत ही खराब थी क्योंकि एक लड़की ने उसके सर पर एक बंदूक रखकर कुछ बोल रही थी। वो इसे पता चल जाता है कि एकदम ही हालत यहाँ का खराब था, जहाँ पर इधर वो लड़की बोल रही थी हमने तुम्हारे पर विश्वास किया था लेकिन तुमने ये। इधर वो लड़की बोलने लगती है ये बात सुनकर ही कि मेरा हमेशा से मकसद यही था तो मैं इसके अलावा और क्या ही करती। जहाँ पर इधर ये बात सुनकर वो लड़की बोलने लगती है यार कि तुम हमेशा से सोचती थी कि हमें धोखा देना है। जहाँ पर इधर वो लड़का जो कि हमारा मेन कैरेक्टर बनने वाला है वो उस लड़की को देखकर आगे आ रहा था क्योंकि वो उसे ही तो ढूंढ रहा था। जहाँ पर इधर वो लड़की जिसने बंदूक रखा था वो उस लड़की को रोकने के लिए बोल रही थी लेकिन वो लड़का थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा था। जहाँ पर इधर वो जो लड़की थी जो कि उसके बंदूक के नीचे ही थी वो मना करने लगी थी उस लड़के को आने के लिए लेकिन वो लड़का रुका नहीं और इधर वो तभी कुछ अपने मन के अंदर सोच रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है, ऐसा क्यों हमें नहीं पता चलता। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी बहन भी ये देखकर शॉक थी। हाँ मैं भी इतना श्योर नहीं हूँ कि ये उसकी बहन है लेकिन अभी तक हम लोग बहन ही बोल सकते हैं। जहाँ पर इधर उसकी बहन को भी शायद से पता चल चुका था यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर की यूगिरी का हाथ हो सकता है, ऐसा वो सोचने लगी थी। जहाँ पर वो दोनों ही मुस्कुराते हैं और तभी वो वाला सीन क्या पर ही कट हो जाता है। तभी इधर हमें दिखा जाए प्रेजेंट वाला सीन जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अब बड़ा हो चुका था और इधर उसके आगे भी सिचुएशन एकदम ही खराब थी। इधर उसे भी पता नहीं चल रहा था यहाँ पर क्या हुआ था और इधर एक लड़की उसे बुला रही थी उसके नेम से। जहाँ पर इधर वो देख कर बोलने लगता है तुम कौन हो। यहाँ पर इधर उसे थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है कि क्या हुआ था। जहाँ पर इधर वो लड़की बोल रही थी तो तुम्हारी क्लास में ढूंढा। जहाँ पर इधर यूगिरी को भी याद आ जाता है कि वो उसका क्लास में। जहाँ पर इधर वो पूछ रहा था यहाँ पर क्या हुआ है क्योंकि दिखने से तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ तो हुआ है। जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर दो स्टूडेंट्स मरे हुए थे और बाकी स्टूडेंट गायब थे, इसका क्या मतलब था वो तो तुम लोग को अभी पता चल जाएगा। यहाँ पर इधर वो लड़की बोल रही थी बाय द वे उसका नेम डेनोरा है और वो बोलती है कि एक ड्रैगन था जो कि इन दोनों को मारा है और अभी भी घूम रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है उस ड्रैगन के झलक को जहाँ पर इधर वो उन लोग के ऊपर अटैक करने वाला था। तभी डेनोरा जो थी वो बहुत ही डर जाती है जिसकी वजह से इधर वो यूगिरी के हाथ को पकड़ लेती है डर की वजह से और इधर यूगिरी को कुछ महसूस होता है, उसे रसमलाई चुनने का एहसास हो जाता है। और जब वो सोच ही रहा था तभी वो ड्रैगन उन लोग के बॉडी पास आ चुका था जो देख कर ही यूगिरी कुछ करता है अपने मन के अंदर और इधर हमें ड्रैगन को मिलता है कि वो ड्रैगन वहाँ पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। फिर इधर हमारा यूगिरी बताता है कि वो अब ड्रैगन उठने वाला नहीं तो हमें भी अभी निकल जाना चाहिए। जहाँ पर इधर डेनोरा बताने लगी थी उन लोगों की स्टोरी के बारे में कि क्या हुआ था कैसे वो इस जगह पर आए क्योंकि इधर वो लोग स्कूल ट्रिप के लिए निकले थे लेकिन यहाँ पर तो अलग ही जगह था वो। तो इधर डेनोरा बताती है कि हम लोग सभी बस के जरिए तो जा रहे थे तभी एक टनल आया और इधर अचानक से रास्ता बदल के इस जगह पर हमारी बस आ गई। ये कैसे हुआ ये तो हमें भी इतने अच्छी तरीके से नहीं पता लेकिन तभी एक लड़की भी आ गई थी बस में जो कि अपने आप को एक सगा बुला रही थी जिसने बस ड्राइवर और हमारे एक टीचर को भी मार दिया। और इधर वो बताती थी कि उसका पावर है 540,000 ऐसे कुछ पावर उसका लेवल था। जहाँ पर इधर ये बात सुनकर यूगिरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो सोच रहा था ये तो एक गेमिंग का प्लॉट जैसा लग रहा है और इधर वो फिर से गेम खेलने के लिए लग गया था। लेकिन इधर डेनोरा बताने लगी थी कि ये बॉडी पे सीधा मामला है क्योंकि इधर डेनोरा के पास वो ताकत नहीं मिली जो कि उस लड़की ने सबको दिया था और ये एक गिफ्ट की टेक्नोलॉजी थी जिसके वजह से स्टूडेंट लोगों को एक पावर मिला था इस वाले वर्ल्ड में, यानी कि वो लोग एक अलग से वर्ल्ड पे आ चुके थे। और बेसिकली ये एनीमे इसी का एनीमे है तो इससे तो तुम लोगों को पता चल ही चुका होगा। जहाँ पर इधर उन लोग के गिफ्ट के बारे में बता देता हूँ कि सब लोगों को कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं मिला था, सबको तो मिल ही गए थे ये पावर से जो कि अलग अलग से थे। और इधर उस लड़के ये बताया था कि उन लोगों को मिसल्स मिलेगा जो कि उन लोगों को कंप्लीट करना है और अगर कंप्लीट कर पाए तो वो लोग जिंदा रहेंगे और जिन लोगों को सिलेक्ट नहीं किया गया यानी कि जिन लोगों को गिफ्ट नहीं मिला उन लोग एक लाइफ स्टॉक के जरिए काम आ सकते हैं यानी कि उन लोगों का तो मरना तय ही है, अगर कोई यूज करना चाहता है तो यूज भी कर सकता है, ऐसा वो बताने लगी थी। जहाँ पर ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और फिर स्टूडेंट्स लोग ने एक ग्रुप बना लिया था कि जिन लोगों को पावर्स मिला था वो लोग एक साथ ही चलेंगे। और इधर जो डेनोरा थी उसके पास पावर नहीं था और दो लोगों के पास पावर नहीं था और तो यूगिरी तभी भी सो रहा था जिसकी वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पाता और इधर वो तीनों ही बोल रहे थे कि वो उन लोगों के साथ जाएंगे लेकिन इधर उन लोगों का जो लीडर बन जाता है सेनापति की तरह वो बोलता है कि हम लोग तुम्हारा यूज करने वाले हैं तो तुम लोग को यहाँ पर ही रहना पड़ेगा
ये हमारी मर्जी से हुआ है, यानी कि सब लोगों की मर्जी से ये हम लोगों ने किया है। और इधर वो जो सेनापति था वो अपना ताकत दिखा देता है, जिसकी वजह से वो तीनों ही डर जाते हैं। जाबर थे वो बोलते हैं कि हम लोग भी तो तुम्हारे दोस्त भी थे, तो अब हमारे साथ ऐसा भला कौन करता है, ऐसा वो बोलने लगा था। जाबर इधर वो बोलता है कि हमें ऐसा ही अब करना पड़ेगा, क्योंकि दो तीन लोगों को बचाने के लिए हम लोग किसी और को मरता हुआ नहीं देख सकते, और ये तो सबकी मर्जी से हुआ है। जाबर ये बात सुनकर डेनोरा भी बहुत ही शौक में आ चुकी थी, क्योंकि उसके दोस्त ने भी उसे धोखा दे दिया था, क्योंकि इधर वो बहुत ही अपने दोस्त को चाहती थी, यानी कि उसके जो लड़कियां सहेलियां थी वो बहुत ही बहुत पसंद करती थी, और इधर उन लोगों ने उसे धोखा दिया, वो ये विश्वास ही नहीं कर पाती। जाबर इधर कुछ देर बाद वो चले जाते हैं और इधर हमारे वो तीनों रह जाते हैं, और इधर वो तीनों ही दोस्त में पड़ चुके थे कि वो कैसे बच सकते हैं। तभी वहां से ड्रैगन निकल आ जाता है, और इधर तभी कुछ देर बाद ही उन दोनों को मार दिया जाता है उस ड्रैगन के हाथों। जाबर इधर डोनोरा का बारी आने वाला था, लेकिन युगिनो जाग गया और युगिनो ने शायद से उसे मार दिया, ऐसा वो लोग बातें कर रहे थे। जाबर इधर युगिनो बाहर आकर बोलने लगता है डेनोरा को, तुम्हें ये नहीं लगता कि हम लोगों को उन लोगों ने मरने के लिए रख दिया? जाबर इधर वो इस बात को लेकर बहुत ही नाराज थी। तभी मेरी खास है वो बाहर आकर जब देखे थे तभी आसमान के ऊपर तीन लड़कों को वो देखने को मिलते हैं। जाबर इधर वो तीनों लड़के यहाँ पर चेकिंग के लिए आए थे कि उन लोगों का हालत क्या हुआ है, और इधर कोई बोल रहा था हम लोग इस ज़ॉम्बीज इन लोगों को ज़ॉम्बीज बना के हम लोग यूज भी कर सकते हैं ना, क्योंकि एक के पास न्यूकमर पावर था जिसकी वजह से इधर वो मूडो को भी जिंदा कर सकता है। बाय द वे कहा है सोलो लिमी वावास आ रहा है एनिमे के रूप पे, तो हमारे चैनल पर देखना मत भूलिएगा, पहले ही बोल देता हूँ। जहाँ पर इधर हमारे एनिमे के ऊपर बैठे हैं, और इधर जो हमारा युगिनो था वो बोलता है कि इन तीनों को तो मुझे मारना पड़ेगा। ये बात सुनकर वो लड़की यानी कि डेनोरा बहुत ही हैरान हो जाती है, और वो बोलती है ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, हम किसी इंसान को नहीं मार सकते। जहाँ पर इधर ये बात सुनकर युगिनो बोलता है नहीं तो वही हमें मार देंगे, ये तुम क्यों समझ नहीं पा रही? जहाँ पर इधर वो तीनों आकर हंसने लगे थे, और जब बोलते हैं तुम तो बच गए और ये ड्रैगन मर गया, हम लोग सोचा कि तुम्हें हम लोग ज़ॉम्बीज बनाकर यूज करेंगे, कोई ना तुम लोग तो तीनों के बीच में से एक ने फायरबॉल फेंक दिया था हमारे डेनोरा के आगे, जहाँ पर इधर वो साइज चला जाता है, और जब वो सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगे थे, जहाँ पर सब लोग बोल रहे थे इस लड़की को भी पहले मारना पड़ेगा। और ये बात सुनकर डेनोरा एक तभी हैरान हो जाती है कि इधर उन लोगों के क्लासमेट ही उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, ड्रैगन के साथ उन लोगों को तो बच ही लिया फिर भी उन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन तभी डेनोरा के मन में ये भी था कि वो इंसानों को नहीं मार सकती, लेकिन यहाँ पर बात थी कि डेनोरा के पास तो कुछ एबिलिटी ही नहीं थी, युगिनो ही सब कुछ कर रहा था, तो वो क्या कह रही है? जहाँ पर एक लड़का बोल रहा था मैं तो इस खूबसूरत सी लड़की को मारना चाहता था, जहाँ पर इधर युगिनो इन सारे बातों को सोच कर बाद में उसका पावर भी वो सबको दिखा देता है। तभी वो उन लोगों के जो सब लोग लॉर्ड बुला रहे थे उसे मर जाने के लिए बोलता है, तभी वो रुक जाता है, यानी वो लड़का जो कि उन लोगों के ऊपर हंस रहा था वो एकदम से बेहोश हो जाता है। और इधर उसका दोस्त चेकिंग के लिए आ गया था, जिसको भी युगिनो अपने पावर से मरने के लिए बोल देता है। और इधर ये देख कर वो जो मोटा सा बंदा था वो बोलने लगता है ये क्या हुआ? जहाँ पर इधर युगिनो बताता है मैंने उन लोग को मर जाने के लिए बोला, और इधर वो लोग मर गए हैं। जहाँ पर की बात सुनकर वो लड़का एकदम हैरान हो जाता है, लेकिन युगिनो उसे ये भी बताता है अगर वो भी हिला तब भी वो भी मारा जाएगा। और तभी वो अपना पावर को रिवील करता है कि उसके पास इंस्टेंट डेथ एबिलिटी है, यानी कि वो जिसको भी बोलेगा वो खुद ही मर जाएगा। जहाँ पर इधर वो लड़का ट्राई करने लगा था उन लोगों को हील करने का, लेकिन इधर वो कुछ काम नहीं आता। तभी इधर उस बंदे के बीच में मन के अंदर ही कुछ आइडियाज आने लगे थे कि वो कैसे उसे मार सकता है, लेकिन तभी हमारा युगिनो भी बहुत ही तेज था, जिसकी वजह से इधर वो बोल देता है कि उसके पास और भी एबिलिटीज है, अगर कोई उसके मारने की चोट से वो खुद ही मर जाएगा। तभी इधर वो लड़का बहुत ही डर जाता है, और वो माफी मांगने लगा था कि वो जो बोला था या फिर उन लोगों के ऊपर हंसा था इसके लिए उसे माफ किया जाए, वो मरना नहीं चाहता। और इधर वो ये भी बात बताता है कि वो लोग पहले भी एक साल पहले यहाँ पर आए थे, और इस वर्ल्ड में उन लोगों ने डिमन लॉर्ड को मारकर फिर से अपने वर्ल्ड में वापस चले गए थे, जिसकी वजह से इन तीनों के पास बहुत ही अच्छी एबिलिटीज थी। लेकिन इधर वो ये देखकर हैरान है कि कैसे युगिनो इन दोनों को आसानी से मौत दे पाया। जहाँ पर वो मोटा सा बंदा बहुत ही डर गया था, जिसकी वजह से वो एक म्यूजिकल आइटम निकाल कर अपने गले में लगा लेता है, और वो बोलने लगा था अब से आप मेरे मास्टर हो, जो भी बोलोगे मैं वही करने के लिए रेडी हूँ। जहाँ पर ये बात सुनकर युगिनो लास्ट में मान जाता है कि वो उसे मारने नहीं वाला, लेकिन उसके लिए वो एक काम करना वाला था। वो बोलता है कि तुम्हें फॉरेस्ट में देखना पड़ेगा वहाँ पर क्या है, और वहाँ पर रुकना पड़ेगा। जहाँ पर ये बात सुनकर वो लड़का बोलने लगता है फॉरेस्ट में तो बहुत से मॉन्स्टर है मैं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन उसके गले का जो रस्सी था यानी जो पहना था वो मैजिक आइटम वो बहुत ही छोटा होने लगा था, जिसकी वजह से उसको गले में तकलीफ आने लगी थी। और इधर वो अपने मास्टर का कहा हुआ बातें नहीं करेगा तो वहाँ पर ही मर जाएगा, तो इसी वजह से वो जाने के लिए रेडी हो चुका था। जहाँ पर युगिनो बताता है
उसके साथ ही साथ तुम्हारे पास जो भी अच्छे अच्छे चीज है जो कि बेस कीमती है वो यहाँ पर ही रख के जाओ। जहाँ पर यही वो कर देता है और इधर वो चला जाता है। तभी देवनार को भी पता चल जाता है कि लोगों के बाहर में जो उसका सोच था वो इतना भी अच्छा नहीं था। हर कोई अपने फायदे के लिए किसी को भी मार सकता है। तभी वो पूछती है किसी योगी से कि योगिरो को तो वो ऐसे भी बातें नहीं कर देते, लेकिन योगिरो उसे क्यों बचाया। जहाँ पर योगिरो बोलने लगता है, हाँ अभी जब तुमने बात कर ली तब मुझे भी ये सोचने में पड़ना पड़ेगा कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया। जहाँ पर इधर वो याद करता है शायद से इस वजह से, और भी इधर देवनार तो सोच रही थी शायद से हमारा योगिरो उसके प्यार में पड़ गया होगा जिसकी वजह से ऐसा क्या हो सकता है। और ये शर्माते हुए ये वो बोल रही थी जहाँ पर, यानी वो पूछ रही थी जहाँ पर इधर जो योगिरो था वो बोलने लगता है, जब ड्रैगन आया था तब तुमने मेरे हाथ को पकड़ा था ना, तुम्हारा जो रसगुल्ले थे वो मेरे हाथों में लग गए थे, तो इसी वजह से वो बहुत ही सॉफ्ट लगे और बहुत जूसी भी, इसी वजह से शायद से मैंने बचाया। और ये बात सुनकर इधर वो यानी कि देनुरा बहुत ही दुखी हो जाती है और जो बोलने लगे सब लड़के एक जैसे है। जहाँ पर इधर वो जो सेगा का था उसका महल का हमारा सीन दिखाया जाता है और इधर उसमें एक बंदा आ जाता है जो कि इधर मुझे कहीं पर दिखाया हुआ लग रहा है जो कि मैं तुम लोगों को नेक्स्ट वाले एपिसोड में बता दूंगा। और इधर वो बंदा बताता है कि चार लोग मर चुके हैं और ये बात सुनकर सगा जो थी जिसने उन दोनों को यानी कि बस ड्राइवर और एक टीचर को मारा था वो बोलने लगती है शायद से पूरे सच में कमजोर थे जिन्हें गिफ्ट नहीं मिला इसी वजह से वो ऐसे भी मारे गए। जहाँ पर ये बात सुनकर वो बंदा बोलता है कि ऐसा नहीं है, दो एस क्लास मारे गए हैं और इधर दो नॉर्मल जिसके पास गिफ्ट नहीं थे। लेकिन इधर ये बात सुनकर इधर सागा को थोड़ा शक महसूस होता है। जहाँ पर इधर वो देखती है कौन कौन मरा है और इधर वो सोचती है कि शायद से ये इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है जिसकी वजह से वो इतना टेंशन ले, तो इसी वजह से वो उसे जाने के लिए बोल देती है। और ये बोलती है कि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, शायद से कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो मर सकते हैं। लेकिन इधर वो बंदा बोलता है कि शायद से इंस्टेंट डेथ मैजिक यहाँ पर यूज क्या होगा। लेकिन वो सागा बोलती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। और मैं बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया से पहले भी यानी हमारे योगिरो पास ये एबिलिटी थी, ये कहाँ से आया, क्या योगिरो इसी जगह का ओरिजिनल पर्सन है जिसकी वजह से उसके लिए ये पावर पहले से ही उसे मिली, या कुछ और जो कि हम लोगों को शायद से नेक्स्ट वाले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन इधर एपिसोड 1 बहुत ही इंटरेस्टिंग था, इसी वजह से अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जिसमें हम लोग हिंदी डब एनिमे डालते रहते हैं।